हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम कैचर्स DIY। यू ऑल मस्ट बी वंडरिंग कि आज का ये वीडियो DIY स्पेस ऑर्गेनाइजर्स फॉर ड्रॉर क्यों है। इसके पांच रीजंस हैं, फाइव रीजंस व्हाई वी शुड हैव DIY ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स। नंबर वन, कि आपके पास जगह कम है और सामान बहुत है। नंबर टू, आपको अपने ड्रॉर के हिसाब से कस्टमाइज मेजरमेंट से आपको सारे एलिमेंट्स चाहिए ड्रॉर में। नंबर थ्री, आपको एक इजी एंड इकोनॉमिकल सोल्यूशन चाहिए जिसे आप अपने ड्रॉर्स में लगा सकें और ऑर्गेनाइज कर सकें। नंबर फोर, आप समय नहीं बिगाड़ना चाहते कोई भी चीजों को ढूंढने में, यू वांट थिंग्स क्विकली एंड फास्ट। सो नंबर फाइव, ये जो DIY ऑर्गेनाइजर्स हैं, ये तीन डिजाइन हैं और तीन डिजाइन से आप कम से कम 10 या उससे भी ज्यादा वेरिएशन करके अपना ड्रॉर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक डिजाइन टिप दूंगा जो कि आपको बहुत काम आ सकती है जब भी आप अपना वार्डरोब डिजाइन कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जरूर देखिएगा वीडियो के एंड में क्या टिप है। एंड ड्यूरिंग द वीडियो हम आपको ये भी बताएंगे कि इस वीडियो से लिंक दूसरा कौन सा वीडियो है जिसमें आपको ये दिखाएंगे कि ऑर्गेनाइजर्स को यूज करके हम कैसे कम से कम स्पेस में मैक्सिमम से मैक्सिमम गारमेंट्स रख सकते हैं। सो लेट्स गो, सबसे पहले हम इन ऑर्गेनाइजर्स को बनाते हैं, आपको सिखाते हैं कि कैसे बनाना है, एंड उसके बाद हम इन्हें ड्रॉअर में प्लेस करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें ड्रॉअर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा, जो भी आपका ड्रॉअर है उसका मेजरमेंट लेना है। अभी मेरे ड्रॉअर का मेजरमेंट आ रहा है 12 इंचेस बाय 18.5 इंचेस और डेप्थ जो है वो है 3 इंचेस, सेफर साइड 3 इंचेस, उससे थोड़ी ज्यादा है बट हम 3 इंचेस से ज्यादा नहीं लेंगे। ये दोनों ड्रॉअर का यही मेजरमेंट है, दोनों इक्वल बास्केट्स हैं। DIY ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए सबसे पहला मटेरियल जो हमें लगेगा वो है प्लास्टिक PVC शीट, जो कि आपके पास अगर कोई ना कोई कंप्यूटर फाइल पड़ी है घर पे तो उससे यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप मार्केट से एक रोल भी ले सकते हैं इसका, ये काफी हार्ड और थिक होता है। उसके अलावा हमें लगेगा कोई भी रोप या तो रिबिन रोप मेजरमेंट के लिए, जो आपके पास स्केल हो, मेजर टेप हो, एंड रबराइज ग्लू लगेगी। एंड एक्टिविटी फर्स्ट, जो DIY फर्स्ट ऑप्शन हम बनाने वाले हैं उसमें मुझे जैसा कि आपने देखा कि जो ड्रॉअर का साइज है वो पूरा 12 इंचेस वाइड आ रहा है, तो उसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो बेसिकली 3-3 इंचेस पार्ट में 4 पीसेस लगेंगे ऑर्गेनाइजर के। फर्स्ट ऑर्गेनाइजर जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए वी विल नीड 3 इंचेस डायमीटर का कोई भी ऑब्जेक्ट, आप चाहे तो एक कड़ा ले सकते हैं, एक बैंगल ले सकते हैं या एक ग्लास ले सकते हैं जिसका भी 3 इंचेस डायमीटर है। और अब आपको सबसे पहले इसके ऊपर एक थ्रेड रोप जो भी आपके पास है वो रैप करके इसकी एज नाप लेनी है, मेजर कर लेनी है, थोड़ा सा ओवरलैप रखना है। तो ये आ गया आपके पास मेजरमेंट ऑफ द एज। अब हम इस रोप को स्केल पे रख के मेजर कर लेंगे। सो बेसिकली 10.5 इंचेस आ रहा है, ये हमारी एक स्ट्रिप की लेंथ आ गई है 10.5। सो इसके लिए अब मैं फाइल को यूज करूंगा। आपकी जो एक पुरानी कंप्यूटर फाइल आपके पास पड़ी हो, सबसे पहले आप उसके अंदर से ये पुराने पेजेस निकाल लीजिए एंड ये जो भी इसमें से पहले का ये जो सब आउटर मैटर है ऑल यू हैव टू डू इज इसको टेयर करके और इसको पूरा प्लेन कर लेंगे हम। ओके, अब इस फाइल कवर पे हमें मेजरमेंट्स लेना है। हमारा मेजरमेंट जो आया है बास्केट का वो 10.5 यहाँ लिया एंड डेप्थ एज आपने देखा था 3 इंच ही है, तो हम 2.5 हाइट लेंगे। हमें नहीं चाहिए कि हमारा कोई भी ऑर्गेनाइजर अगर जरा सा भी ऊपर हो ड्रॉअर में तो वो कहीं भी टच हो और ड्रॉअर को डिफिकल्टीज दे क्लोज होने में। Let's cut this. Okay. Now, हम वापस से ये ऑब्जेक्ट लेके इसके अराउंड इसे रख के इसका मेजरमेंट ले लेंगे क्योंकि हमें 3 इंच डायमीटर के सर्कल्स चाहिए। ओके, एंड ये मैंने मार्किंग कर ली है यहां। सो ये जो पार्ट हमारा है इतना पार्ट पे हमें ग्लू लगा देना है। ये रबराइज ग्लू लगाने का एक खास तरीका है कि आप इसे ड्राई होने दीजिए दोनों पार्ट्स पे लगा के, तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्लू होगा।
तो इधर भी मैंने उतने ही पार्ट में ग्लू लगा दिया है, ड्राई होने दे रहे हैं एंड देन वी विल स्टिक इट। कि अब ये ड्राई हो गया है और अब हमें इसे स्टिक कर देना है। अच्छे से स्ट्रॉन्गली प्रेस कर दीजिए उसे। सी, सो वन कंपार्टमेंट इज रेडी, आपका एक कंपार्टमेंट पूरे ऑर्गेनाइजर का रेडी है। अब हमें ऐसे और कंपार्टमेंट बना रहे हैं, चलिए लेट्स मेक मोर। सो जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हमारे ये जो कंपार्टमेंट्स हैं, सेक्शंस हैं, ये रेडी हो गए हैं। अब हमें इनको एक दूसरे से चिपका के ऐसे फोर फोर का ग्रुप बनाना है। ऑप्शन वन रेडी है टू गो इन द ड्रॉर, पर थोड़ा सा इंतजार करिए। हम सारे ऑप्शंस एक साथ में रेडी करके और एक ही बार में ड्रॉर में कैसे इंस्टॉल करना है इन सारे ऑप्शंस को एक ही बार में दिखाते हैं वीडियो के एंड। सो फॉर ऑप्शन टू, ये हमने स्क्वायर बनाया है, इन स्क्वायर से अब हम ग्रिड बनाएंगे। मैंने अपने ड्रॉर को फोर एंड थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, थ्री पार्ट्स में विड्थ में डिवाइड किया है एंड फोर पार्ट्स डेप्थ में डिवाइड किया है। और ये स्क्वायर को बनाने के लिए मैंने इस शीट पे मार्किंग कर ली है, जिस तरह से डिवाइड किया है उस तरह से इसकी पूरी मार्किंग कर ली है, 4 इंच, 4.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच। अब मैं इसकी साइज को इस मार्किंग पे फोल्ड करने लग जाऊंगा, बिकॉज ये एग्जैक्ट स्क्वायर नहीं है, ड्यू टू माई ड्रॉज मेजरमेंट मैंने उस हिसाब से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है। किसी के ड्रॉर अगर एग्जैक्ट मेजरमेंट के हों तो उनको स्क्वायर भी मिल सकता है, परफेक्ट। ओके, और ये जो लास्ट पार्ट है, ये हाफ इंच, ये ओवरलैपिंग के लिए रखा है, जो कि स्टिक होगा पार्ट। ये जो स्क्वायर बनाना है उस पार्ट को स्टिक करने के लिए ये है। अब यहाँ हम रबराइज ग्लू लगा के छोड़ देंगे, थोड़ी देर ड्राई करेंगे और फिर इस पार्ट को स्टिक कर देंगे, दिस एज एंड द अदर साइड, जो अंदर वाला कॉर्नर है। ओके, एक बार आपको फिर दिखा दूं, 4 इंच, 4.5 इंच, 4 इंच, 4.5 इंच, और जब ये ड्राई होकर हम स्टिक करेंगे तो ये स्क्वायर ऐसा बन जाएगा। और ऐसे अब हम टोटल 6 स्क्वायर्स बनाएंगे टू कंप्लीट द ग्रिड। और अब हमारे ये 6 कंपार्टमेंट्स रेडी हैं और अब हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करेंगे क्विकली। सो अब इसमें हमको ये कंपार्टमेंट्स तो हमने बना लिए हैं, इसके अंदर भी हमने इसको और डिवाइड किया है, इसको 4 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया। उसके लिए इस दोनों साइड्स को सेंटर लेते हुए हमने ये 2 स्ट्रिप्स काटी हैं और अब इनको सेंटर से, आप ध्यान से देखिएगा, इनको सेंटर से अब हम होल्ड करके और सीजर से हाफ वे थ्रू काट देंगे, सिर्फ आधे तक काटेंगे क्योंकि उनको आपस में हमें इंटरलॉक करना है। तो अब जैसे ये करके हमने इसे इंटरलॉक कर दिया है, सी दिस इज हाउ वी हैव इंटरलॉक दिस पीस। एंड ये एजेस को हमने थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा लिया है, थोड़ा सा बढ़ा लिया है, जिससे कि इस एजेस की साइड्स पे हम ग्लू लगा सकें। और एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमें देखनी है कि जब हम ये साइड्स फोल्ड कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये इस तरफ है, ये इस तरफ से, ये इसका स्ट्रेंथ थोड़ा बढ़ा देगा। सो सेम वे जो ये साइड है हमें इस साइड इसे फोल्ड करना है और जो अदर साइड है उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोल्ड कर देना है। और इसके बाद में हमें इन्हें ग्लू कर देना है यहाँ पर इनका, इसमें कंपार्टमेंट्स में, जिस तरह से इसे ग्लू किया है। नाउ वी विल ग्लू ऑल द पीसेस। तो चलिए अब हम देखते हैं कि किस तरह से ये DIY ड्रॉर ऑर्गेनाइजर्स काम आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये राउंड सर्कुलर वाले जो हमने फाइल कवर्स से बनाए हैं। एंड यू कैन सी हमने ये जो 4-4 के सेट बनाए थे उन्हें मैंने ऑल्टरनेटिवली अरेंज कर दिया है। इसमें आप सॉक्स, अपनी छोटी टी शर्ट्स, बॉक्सर्स, ये ऐसे सब कपड़े रख सकते हैं। अब हम क्विकली देखते हैं कि इसके कितने तरह के अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं और कितने क्विकली कर सकते हैं। सी आप चाहें तो यहाँ बिगर गार्मेंट्स रख सकते हैं, यहाँ स्मॉल गार्मेंट्स रख सकते हैं, बीच में हमारे पास जगह हो गई है। चाहें तो ये दोनों पार्टीशंस को सेंटर में ले आइए एंड दोनों क्लस्टर्स को साथ में रखिए एंड एक फ्रंट एंड बैक में स्पेस क्रिएट हो जाती है। नाउ अब अगर हम इसको ओरिएंटेशन चेंज कर दें एंड इसको इस तरह से प्लेस कर दें तो वी कैन इवन गेट अ टी फॉर्मेशन। आप चाहें तो ये टी फॉर्मेशन कर सकते हैं एंड इसमें भी वी कैन डू कलर कॉम्बिनेशन, जैसा आपके पास 5 कलर का कवर है। नाउ जिस तरह का आपके पास फाइल है एंड जिस कलर का है उस तरह का कॉम्बिनेशन आपके DIY ऑर्गेनाइजर में हो जाएगा। ये टी फॉर्मेशन कर दिया है हमने। नाउ वी कैन
इसको सेपरेट भी कर सकते हैं ऐसे, एक और फॉर्मेशन हो गया। अब इससे अगर आप चाहें तो एक पूरा का पूरा ओ फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो ये ओ फॉर्मेशन हो गया। अब चाहें तो हम इसे पूरा सी फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, तो सी फॉर्मेशन भी हो गया। एंड इसके अलावा आप इनको इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं, पहले हमने हॉरिजॉन्टली प्लेस किया था, नाउ वी आर प्लेसिंग वर्टिकली। डिपेंडिंग आपके ड्रॉ में कैसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। सो इस तरह से ये डायमंड वाली शेप में हमने इसे ऑर्गेनाइज कर दिया है, एंड नाउ हम इसको और पैटर्न में ऑर्गेनाइज करेंगे। अब हम इनको पूरा सेंटर में ले आएंगे और सेंटर में इसका पूरा क्लस्टर बना देंगे। तो ये भी एक तरीका डिफरेंट पैटर्न हो गया, जिससे कि आपको सामान जमाने में आसानी होगी। तो इसे सेंटर में ले आए। नाउ अगर हम चाहें तो इसको हम एक को पीछे ले जा सकते हैं और उसे पीछे फिट कर देंगे, एंड एक सेट को हम इस तरफ से ले आएंगे, तो हमको ये एक एल फॉर्मेशन भी मिल गया। अभी इस एल में अगर हम चाहें तो इसे यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, इसको यहाँ लगा सकते हैं, इन पूरे को पीछे शिफ्ट कर सकते हैं। तो इसको इस तरह से एक लैडर फॉर्मेट में भी आप फिक्स कर सकते हैं, यहाँ आप दूसरा सामान रख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं, जिससे कि आप ये काफ़ी सारा अलग अलग वैरायटी ऑफ स्टोरेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ दो ड्रॉर में। सो एवरीवन, आई होप आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफी हेल्पफुल रहा होगा कि किस तरह से हमने सिर्फ तीन एलिमेंट्स यूज करके और इतने सारे वेरिएशंस किए हैं ड्रॉअर के अंदर। अब बारी आती है कि जैसा कि मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, प्रो टिप दी जाएगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रो टिप है इस ड्रॉअर ऑर्गेनाइजेशन की, कि जब भी आप अपने वार्डरोब में ड्रॉअर्स बनवा रहे हैं, प्रेफर करिए कि आप बास्केट्स डलवाएं। ये लाइट वेट होते हैं एंड ये जगह कम लेते हैं, एंड इसमें से ज्यादा विजिबिलिटी होती है एंड ईजी टू इंस्टॉल होते हैं। सो दिस इज द प्रो टिप, एंड आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया हो और काफी हेल्पफुल रहा हो। तो डोंट फॉरगेट, शेयर एंड लाइक करिए। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब इन दो ड्रॉर्स के अंदर कितना सामान आएगा, ये हमने एक वीडियो बनाया है उसके लिए, वो वीडियो देखना भूलिएगा नहीं, लिंक ऊपर है। एंड सबसे बड़ी क्वेरी है सबकी कि ये बना तो लिए लेकिन अब इसके अंदर क्या रखेंगे। सो डू वॉच इट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।